यश ठाकुर ने पांच विकेट लेकर लखनऊ को जिताया मैच बनाया ये खास रिकॉर्ड लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने गुजरात टाइटंस को 33 रनों से हरा दिया है इस मैच में लखनऊ के गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया टीम के लिए यश ठाकुर ने पांच विकेट हासिल किए लखनऊ सुपर जाय गुजरात टाइटंस आईपीएल 2024 के 21वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 33 रनों से गुजरात टाइटंस को हरा दिया है इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए यश ठाकुर ने कमाल का प्रदर्शन किया और उन्होंने पांच विकेट अपने नाम किए हैं वो टीम के लिए सबसे बड़े हीरो साबित हुए हैं लखनऊ ने गुजरात को जीतने के लिए एक रनों का टारगेट दिया था जिसके जवाब में गुजरात की टीम एक रनों पर ऑल आउट हो गई गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज हुए फ्लॉप गुजरात टाइटंस की शुरुआत अच्छी हुई थी जब साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए चौवन रनों की साझेदारी निभाई लेकिन इसके बाद शुभमन गिल उन्नीस रन बनाकर आउट हो गए फिर गुजरात की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई एक समय गुजरात टाइटंस की टीम का स्कोर अस्सी रन पर पांच विकेट हो गया टीम के लिए साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा इकतीस रन बनाए राहुल तेवतिया ने तीस रनों का योगदान दिया इन दोनों को छोड़कर गुजरात टाइटंस का कोई बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन सिर्फ एक रन बना सके रवि बिश्नोई ने उन्हें शानदार गेंद पर आउट किया यश ठाकुर ने हासिल किए पांच विकेट लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए यश ठाकुर और कृणाल पांड्या ने कमाल की गेंदबाजी की इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर कुल आठ विकेट अपने नाम किए और गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया यश ठाकुर ने तीन दशमलव पांच ओवर में तीस रन देकर पांच विकेट हासिल किए वहीं कृणाल पांड्या ने चार ओवर में ग्यारह रन देकर तीन अपने नाम किए नवीन उलहक और रवि बिश्नोई के खाते में एक एक विकेट गया यश ठाकुर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आईपीएल में पांच विकेट हॉल लेने वाले दूसरे प्लेयर बने हैं उनसे पहले मार्क वुड ऐसा कर चुके हैं स्टोनिस पूरन की बेहतरीन बल्लेबाजी गुजरात टाइटंस के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही जब क्विंटन डी कॉक सिर्फ छह रन बनाकर आउट हो गए इसके बाद देवदत्त पड्डिकल भी सात रन बनाकर पवेलियन लौट गए राहुल ने तैतीस रनों का योगदान दिया लेकिन मार्कसटो और निकोलस पूरन की वजह से ही लखनऊ की टीम सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल हो पाई इन दोनों प्लेयर्स ने अच्छी बल्लेबाजी का नमूना पेश किया स्टोइनिस ने अट्ठावन रन और पूरन ने 32 रन बनाए आयुष बदोनी ने 11 गेंदों में 20 रन बनाए जिसमें तीन चौके शामिल थे हेलो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट करें।